हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ESIC UDC मेंस का एग्ज़ाम हो गया है। एग्ज़ाम होने के बाद जनरल OBC SC ST UR का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने से नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कट ऑफ के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल MTS पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम एज आपकी 27 साल फॉर UDC और स्टोनोग्राफर पोस्ट के लिए है। एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। ये जो है आपकी 15/2/2022 से काउंट की गई है। अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी है 3600, जिसमें आपकी पहली पोस्ट जो है अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC, दूसरी पोस्ट स्टोनोग्राफर स्टोनो, तीसरी पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS। गाइस, ये आपकी ESIC UDC मेंस की प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की। ये आपके स्टेट दिए हुए हैं और ये कट ऑफ दी गई है, जैसे देख सकते हैं आप लोग UR, SC, ST, OBC, EWS, PWD A, PWD B, PWD C, PWD और एंड ई ई है EX सर्विसमैन। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये PDF आपको मिल जाएगी। इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है ये भी देख लेते हैं। एग्जाम तो आपका हो चुका है। अगर हम टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट है 3600। एग्जाम के लेवल की बात करें, पेपर आप लोगों का काफ़ी इजी आया था आज। रिजल्ट जो है आपका मई 2022 में घोषित कर दिया जाएगा। एग्जाम होने के बाद इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा ESIC UDC का देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम UR की बात करेंगे तो UR का जो कट ऑफ है 120 से 135 के बीच में जा सकता है। OBC की अगर हम बात करें तो OBC का कट ऑफ 90 से 115 के बीच में जा सकता है। SC का कट ऑफ 80 से 110 के बीच में जा सकता है और ST का कट ऑफ 75 से 100 के बीच में जा सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम होने के बाद ESIC UDC मेंस का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यही रहेगा, इससे कम ना ज़्यादा। हो सकता है कि इससे एक या दो नंबर कम या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर आपका जो आया है बहुत ही ईजी पेपर आया है। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पेपर का लेवल क्या है, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था आप लोगों का। इजी आप बोलिए, इजी पेपर था, काफ़ी इजी पेपर आया था आज आप लोगों का। तो कट ऑफ आप लोगों का इतना ही जाएगा, इससे कम ना ज़्यादा कट ऑफ का नहीं जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने से नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।